जंगल के सारे शिकारी चील एक बड़े से पेड़ पर इकट्ठा हो गए थे। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे यार, ये कमबख्त बारिश अचानक कैसे शुरू हो गई? हमें तो कहीं छिपने का मौका भी नहीं मिला। अरे मूर्ख, अभी अभी तो बारिश का मौसम शुरू हुआ है। बारिश अब नहीं आएगी तो कब आएगी? अब क्या बारिश को तुझे पूछ कर आना पड़ेगा? बारिश नहीं तो क्या आसमान से फूल गिरेंगे? हाँ सरदार, लेकिन अब हम सब भीग रहे हैं, इसका क्या करें? भीग तो हम रहे हैं, लेकिन मुझे भीगने का कुछ नहीं लग रहा। हमें इस तेज बारिश में कुछ खाने को नहीं है, इसका बुरा लग रहा है। तभी वहाँ पर एक दूसरा गिद्ध एक कबूतर को मारकर अपने मुंह में पकड़ कर ले आता है। वो उस कबूतर को एक पेड़ पर बैठकर मजे से खाने लगता है। अरे ये शिकार तुम कहाँ से पकड़ कर लेकर आए हो? तुम सब आलसी हो। मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ पर तो बहुत सारे पक्षी है खाने के लिए। मेरी तो अच्छी दावत हो गई। देखा भाई लोग आपने, ये गिद्ध का बच्चा हमारे बाद जंगल में आया है और इसे शिकार भी मिल रहे हैं। हम सब आलसी बस इसे चुपचाप दावत उड़ाते हुए देख रहे हैं। खुद तो जगह से हिलता नहीं और हमें आलसी बोल रहा है। क्या क्या कहा तुमने? अरे मालिक, मेरे कहने का मतलब है हमें आलस छोड़ना चाहिए। तू सही कह रहा है काने, हमें आलस छोड़ना चाहिए। एक तो हमें रहने को घर नहीं है और खाने को भी कुछ नहीं है। छह, ये क्या जिंदगी है? बस अब बहुत हो गया आराम। हम सब एक काम करते हैं, हम अभी निकलते हैं और हमसे कमजोर पंछियों के बस्ती पर हमला बोल देते हैं। हम एक एक करके उनके घरों को छीनेंगे और जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सारे बस्ती में हम हमारा खौफ पैदा करेंगे, सब हमसे डरने चाहिए। काने और बटले, तुम दोनों अभी जाओ और हमारे बाकी के साथियों को इकट्ठा करो। हम सब आज ही एक साथ धावा बोल देंगे। दोनों जाकर उनके साथी शिकारी पंछियों को बुलाकर लेकर आते हैं। अरे साथियों, तुम सब आ गए, चलो हमें चलना है। पर कहाँ चलना है पहले ये तो बताओ। अरे चलो तो सही, तुम सब बस मेरे पीछे पीछे आओ। सबसे पहले सारे शिकारी पंछी मीनू मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। अरे ओ चिड़िया, बाहर आ जा। चल अब अपना अपना सामान बांध ले, इस घर को छोड़ने का अब समय आ गया है। आज से ये बस्ती हमारी है। अरे ओ मनुष्य कहीं के, तुझे क्या मेरा ही घर मिला था कब्जा करने के लिए? अब सब निकलो यहाँ से, वरना मैं एक एक को देख लूंगी। अरे ओ बुढ़िया, तुझे अपनी जान प्यारी है या ये झोपड़ी? हम सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, इस बस्ती के सारे पंछियों का घर एक एक करके हत्याने वाले हैं। जो भी हमें घर देने से इनकार करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब चुपचाप छोड़ दो ये घर। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको मैं अभी बताती हूँ तुम सबको। अरे अरे बुढ़िया, ये तूने क्या कर दिया? अरे जल्दी से चलो यहाँ से, नहीं तो मैं दम घुट के मर जाऊंगा। चलो जल्दी से, ये बुढ़िया तो बहुत होशियार निकली। बड़े आए मेरा घर हत्याने वाले, खुद के घर का तो पता नहीं और मेरा घर छीनोगे? भूलो मत, मीनू नाम है मेरा। सारे शिकारी पंछी मीनू मौसी के घर से दुम दबाकर भाग जाते हैं और रानू चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। अरे ओ चिड़िया, चलो अपना अपना सामान समेट कर निकलो यहाँ से, अब ये हमारे बॉस का घर है। अरे ओ चिड़िया, बाहर आ जा। बुलबुल ने खिड़की से झांक कर देखा। अरे बाप रे, ये तो शिकारी चील है। बुलबुल शिकारी पंछियों को देखकर डरने लगी, उसे बस अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक फैसला ले लिया, वो अपने बच्चों के पास आ गई। बच्चों अब मुझे जाना होगा, मैंने तुम्हें उड़ना सिखाया है। जब तक मैं शिकारी पंछियों का सामना करती हूँ
तुम पीछे के दरवाजे से लाडो आंटी के पास चले जाओ। माँ, हम तुम्हें छोड़कर कहीं पर नहीं जाएंगे। नहीं बच्चों, तुम आगे जाओ, मैं शिकारी पंछियों का सामना करके तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। बच्चे पीछे के दरवाजे से निकलकर लाडो चिड़िया के पास आ जाते हैं। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बुलबुल शिकारी पंछियों का सामना नहीं कर पाती और हकला उसे मार देता है। इसे तो मैंने मार दिया, चलो इसे लेकर मेरे बॉस के पास जाता हूँ। आप ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं उनको लेकर अकेले कहाँ पर जाऊंगी। तभी वहाँ पर हकला आ जाता है। अरे मालिक, ये देखो, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा शिकार लेकर आया हूँ। इसका नाम बुलबुल था, ये हमें घर देने से मना कर रही थी, इसीलिए मैंने इसे मार दिया। देखा चिड़िया, अगर तुम भी अपने और अपने बच्चों के जान की सलामती चाहती हो तो चुपचाप ये घर छोड़ दो। जाते जाते एक काम करना, सारे बस्ती वालों को ये बात बता देना कि हम आ गए हैं, ये अब हमारा जंगल है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ देती है। रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू भैया, हमारे बस्ती पर शिकारी चीलों ने हमला कर दिया है, वो एक एक करके सारे पंछियों के घर पर कब्जा कर रहे हैं। बेचारी बुलबुल चिड़िया, उसकी आत्मा को शांति मिले, उसने घर देने से मना कर दिया तो शिकारी चीलों ने उसे मार दिया। हम उनसे नहीं लड़ सकते कालू भैया, हमें ये बस्ती छोड़कर जाना ही होगा। हाँ रानो बहन, मेरे भी कानों तक ये खबर आई है, मैं भी गोरी को लेकर लाड़ो के पास ही निकल रहा था। चलो तुम भी चलो हमारे साथ। कालू, गोरी और रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के पास आ जाते हैं। कालू सारी बातें लाडो चिड़िया को बता देता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, हम सारे पंछी मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सकते। अब हमें दिमाग से काम लेना होगा, हमें ये बस्ती छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना होगा। सब एक काम करते हैं, घूंगा मौसी के पास चले जाते हैं। घूंगा मौसी समझदार है, वो हमें इस मुसीबत से जरूर बचा लेंगी। कालू कौवा सारे पंछियों को मुसीबत के बारे में बता देता है। सारे पंछी मिलकर घूंगा मौसी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मीनू मौसी भी उनके साथ आ जाती है। घूंगा मौसी, अरे ओ घूंगा मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो चिड़िया। घूंगा मौसी घर का दरवाजा खोल देती है। अरे आज अचानक तुम सारे पंछी इतनी तेज बारिश में यहाँ पर कैसे? क्या कोई मुसीबत आ गई है? साथियों, तुम अंदर आ जाओ। सारे घूंगा मौसी की तरफ देखने लगे। घूंगा मौसी का घर छोटा था, इसीलिए सारे पंछी उनके घर में नहीं आ सकते थे। अरे घूंगा मौसी, हम सब अंदर कैसे आ सकते हैं? अरे हाँ, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं, रुको मैं ही बाहर आ जाती हूँ। घूंगा मौसी बाहर आ जाती है। बताओ आज अचानक से सारे पंछी यहाँ पर कैसे? अरे मौसी, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। लाडू सारी बातें घूंगा मौसी को बता देती है। बस इतनी सी बात? तुम सब चिंता मत करो, मैंने ऐसे ही मुसीबत के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। आप सब मेरे साथ चलो, मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आओ मेरे पीछे पीछे। थोड़ी दूर आने पर मौसी रुक जाती है। मौसी सारे पंछियों को एक बहुत बड़े मशरूम के खेत के पास ले आती है। साथियों ये देखो, ये है मशरूम की खेती, मैंने ये मशरूम खुद उगाए हैं। इसे उगाने में मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे पता था कि अचानक जंगल पर कोई मुसीबत आ गई तो ये मशरूम की खेती हमारे जरूर काम आएगी। आप सब चिंता मत करो, मैं मेरे साथियों के मदद से आप सभी को घर बना कर दूंगी। मौसी सायरन बजाकर सारे साथियों को सिग्नल दे देती है। थोड़ी ही देर में घूंगा मौसी के सारे साथी उनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। लाडो, तुम सारे पंछी एक काम करो, जब तक तुम्हारे घर बन रहे हैं तब तक तुम सब इस बड़े बड़े पत्ते वाले पेड़ का सहारा लो। थोड़ी ही देर में सारे घूंगे मिलकर पंछियों के लिए मशरूम से अच्छे अच्छे घर बना देते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ, हम कब तक इस घर में रहेंगे? बच्चों, हमें कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहना होगा, थोड़े दिनों बाद हम हमारे घर में वापस चले जाएंगे।
नहीं माँ, हमें यही घर पसंद है। हाँ आंटी, हमें भी ये घर पसंद है। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी माँ तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन आपने हमें पनाह दी। हम यहीं पर आपके साथ रहना चाहते हैं। अरे बच्चों, बुलबुल चिड़िया मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, ये तो मेरा फर्ज है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू भैया, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? हमें कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही होगा। हम सिर्फ मशरूम खाकर जिंदा नहीं रह सकते। मेरे पास एक आइडिया है लाड़ो, हम कुछ और दिनों तक यहाँ रुकते हैं। जब एक भी पंछी बस्ती में नहीं रहेगा, तब शिकारी पंछी अपने आप बोर होकर हमारी बस्ती छोड़ देंगे। अरे भाई, ये तो बहुत छोटा घर है। तुझे ये घर छोटा लग रहा है? रुक, मैं इसे अभी बड़ा बना देता हूँ। ये ले भाई, बड़ा घर। रात में मस्त तुझे आसमान का नजारा दिखेगा। इधर सारे शिकारी पंछियों का झुंड एक एक करके सारे घोंसले छान मारते हैं, लेकिन उन्हें एक भी पंछी दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक भी पंछी नहीं है। सिर्फ घरों पर कब्जा करने से क्या होगा, अब हमें एक दूसरे को मारकर खाना होगा। सरदार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें शाकाहारी बनना पड़ेगा। चलिए यहाँ से। सारे शिकारी चील वापस अपने अपने अड्डों की तरफ निकल पड़ते हैं। कालू कौवा बस्ती में घूमने के लिए आ जाता है। वो ये देखने आया था कि शिकारी पंछी अभी भी यहाँ पर है या नहीं। तभी शिकारी पंछियों का बॉस कालू कौवे का रास्ता रोक लेता है। अरे ओ कालू के बच्चे, सारे पंछी कहाँ चले गए? क्या करे मालिक, सारे पंछी जंगल छोड़कर चले गए हैं। क्या चले गए? तो फिर हम इस बस्ती में रहकर क्या करेंगे? अगर शिकार ही नहीं मिला तो यहाँ रहने का क्या फायदा? चलो साथियों, यहाँ से फूट लेते हैं। शिकारी पंछी वापस चले जाते हैं। कालू के साथ साथ रानो और लाडो चिड़िया भी आई थी, लेकिन वो झाड़ियों के पीछे छुप गई थी। अरे कालू भैया, हमारा प्लान तो काम कर गया। लाडो सारे पंछियों को ये बात बताती है। गूंगा मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह इस बार भी आपने हमारी बहुत मदद की। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? सारे पंछी वापस अपने बस्ती में आ जाते हैं।